याद रखिए, इंसान कभी नहीं मरेगा। हमेशा याद रखना, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, शरीर में रहते हो, और परमेश्वर ने इस दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए आपको सोल दिया है, प्राण दिए हैं। इंसान जब मरेगा, बॉडी मरेगी, आत्मा निकल के उसी के पास जाएगी। क्या बताती है बाइबल? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। पढ़ के देखिए यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है, उसने मनुष्य को भी आत्मा बनाया। आप आत्मा हो, आप कभी नहीं मरोगे, ये शरीर खत्म होगा, उसके बाद जब आप निकलोगे आप खुदा के पास जाओगे। इंसान कभी नहीं मरता, We will never die. हम हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप बोलते हो ना मैं मार दूंगा, ये सिर्फ बॉडी का प्रॉब्लम है। उसके बाद आप इंसान मरने के बाद अगर स्वर्ग में गया तो भी हमेशा के लिए जिएगा, नरक में गया तो भी वो हमेशा के लिए वहां जिएगा। मैन इज अ एटर्नल बीइंग, वो अनंतकालीन है, वो कभी नहीं मरता। जैसे खुदा कभी नहीं मरता, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे ही इसलिए बाइबल बताती है जो उसमें से जन्मे हैं वो उसकी तरह है। सुसाइड करना एक बहुत बड़ा अपराध है खुदा की नजर में। और जानते हो कौन लोग सुसाइड करते हैं? बताइए अपने पास वाले को, बुजदिल लोग करते हैं, बुजदिल डरपोक लोग करते हैं। ये सब जो डरपोक होते हैं ना, वो मारते हैं खुद को। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जीते हैं। जीते हैं क्योंकि वो जानते हैं जैसे उसने आज संभाला है वो मुझे कल भी संभाल लेगा। जब एलिया को पता चला, ओ वो औरत ने मेरे को शपथ खाई है, वो डर गया। अब बताइए वो क्यों डरा? मैं 5-10 मिनट में संदेश को पूरा कर दूंगा। जानते हो वो क्यों डरा? कहिए मेरे पीछे, एलिया, एलिया ने धमकी को मेडिटेट किया। उसे मनन किया धमकी को। क्या सोचते हो आप? जो आप सोचोगे आपकी जिंदगी आपको वहीं ले जाएगी। इसीलिए बाइबल बताती है तुम अपने विषय में चौकस रहो। कुछ लोग कुछ भी सोचते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या सोच रहे हैं। आप में से बहुत लोग यहां हो सकते हैं, आपको पाप ने नहीं, आपको स्ट्रेस ने बीमार किया है। सर सोच नहीं, स्टमक की वजह से थ्रोट पेन होता है, स्टमक की वजह से स्टमक पेन होता है, स्ट्रेस की वजह से पीठ में दर्द होता है, पाइल्स होते हैं। आप जाकर पढ़ो, आपको पता चलेगा कि इंसान की सोच क्या है। आपको क्या लगता है लोगों को कोविड ने मारा? अरे 20% लोग खाली कोविड में मरे, 80% कोविड के डर से मरे हैं। पहले के दिनों में कोविड एक बीमारी थी, बाद में एक व्यापार बन गया। मैं अपने घर का व्यक्ति खोया, आज तक उबर नहीं पाए हम लोग, आज तक नहीं उबर पाए। एक दूसरे को इनकरेज करते रहते, वो प्लेस खाती है जहां पर वो लोग सोते थे। डर ने मारा। डर कहां होता है? विचारों में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप सच में जीवन जीना चाहते हो ना, जो आप सोचते हो वहां से मन फिराओ, और हर दिन इसे पढ़ने के बाद मनन करो, आप जियोगे। यू विल लिव। इसको पढ़ो, ये चूमने के लिए नहीं मिला है, ये लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिला है, ये कबाट में रखने के लिए नहीं मिला है, ये इसीलिए मिला है ताकि अंदर रहे और तुम्हें जिंदगी दे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा के कलाम से जिएगा। पॉल कहता है उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिर्फ पास्टर्स पे डिपेंड मत रहो, सिर्फ मिनिस्ट्रीज पे डिपेंड मत रहो। एक व्यक्ति बाहर से आएगा, हाथ रखेगा, दुआ करेगा, इस पे डिपेंड मत रहो। डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ द लॉर्ड,
वचन पर डिपेंड रहो। कोई व्यक्ति आपको हमेशा नहीं संभालेगा। आज कोई फारिक है इसलिए आप पे ध्यान दे रहा है, कल वो व्यस्त हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा। आप मेरे चर्च के लोगों से पूछो, घर घर जाता था मैं, क्योंकि ग्रुप छोटा था, इजीली हम किसके भी घर में चले जाते थे, लेकिन अब मैं नहीं जा पाता हूं। क्यों? क्योंकि लार्ज चर्च है। आप पूछो, किसी के पास भी नहीं गया हूं मैं। कोई फ्री बैठा है आप पे ध्यान देगा, कब तक ध्यान देगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसे मनन करो, उसे हृदय में रखो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आज लोग सब करते, सब शॉर्टकट चाहिए। पास्टर उपवास करे, धोखा पास्टर मरे, बाइबल पास्टर पढ़े, सारा दिन पास्टर कमरे में बैठा रहे। हम जैसे आए, पास्टर हाथ रख दो ना, हाथ रख दो। अरे हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। पास्टर जी हाँ, ये लो ऑफरिंग, हाथ रख दो हमारे ऊपर, क्या होगा इससे? एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, एक बहन सोई थी, मीटिंग पूरी हो गई, भाग के आके कहती है, पास्टर हाथ रख दो। जानते हो पास्टर ने क्या कहा? खाना पड़ा था टेबल पे, चूरन खाने आई है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। क्या नाम है भैया इस परमेश्वर के दास का? हिज नेम इज अंकल A.W. टोजर। सोई थी मीटिंग में, जैसे मीटिंग पूरी हुई, पास्टर जी हाथ रख दो, थोड़ी इंपार्टेशन मिल जाएगी। पास्टर ने, ओ उस गॉडली व्यक्ति ने पता है क्या कहा? मैंने खाना रखा था टेबल पे वचन, और चूरन खाने आए। कुछ लोग चूरन खाने के लिए आते, उनको खाना नहीं चाहिए। चूरन से क्या होगा ब्रदर? रोटी खाओ तुम मजबूत बनोगे। मनन करो, वचन आकार देना चाहिए। आपने देखा दाऊद जब गोलियात से लड़ने के लिए गया, पूरी इज़राइल डरी हुई थी, सबके मन कच्चे थे। कच्चे मन का मतलब समझते हैं? लिखा है गोलियात को देखकर शाऊल का मन कच्चा हो गया। जानते हो कच्चा मन क्या होता है? कच्चे मन का मतलब होता है लड़ाई में जाने से पहले ही आपने डिसाइड किया आप नहीं जीतोगे, इसे कहते हैं कच्चा मन। विदाउट एफर्ट हार जाना, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। पूरी इज़राइल हारी हुई थी, दाऊद वहां गया भी नहीं, उसको पहले ही पता था मैं जाऊंगा और जीतूंगा। आप जानते हो शाऊल हार गया लड़ने से पहले, दाऊद जीत गया लड़ने से पहले। वो वहां पर गया और जाके कहता है, आपको पता है उसके हाथ में पत्थर थे, गोलियत ने देख लिए, अरे पत्थर ले। अरे भाई पत्थर तो हाथ में है, मेरे मुंह में इससे भी बड़ी चीज है, मैं अपने खुदा के नाम से आया। और खड़े होकर कहता है, सुन जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। आप मुझे बताइए दाऊद क्यों लड़ा? जानते हो क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था उसकी तरफ कौन है। याद रखिए बच्चों को ये बातें बताना, दाऊद ने गोलियत को घुमा। बच्चों को बताया करो, हमें मत बताया करो। बच्चे बिलीव करेंगे कि वो पत्थर से मरा है, हम जानते हैं उस युद्ध में खुदा था। इट वॉज जीसस। हम लोग बच्चों को बताते ना, बेटा दाऊद और गोलियत की, दाऊद और गोलियत की स्टोरी पता है? हाँ पता है तुझे क्या हुआ था? दाऊद छोटा बच्चा था, गोलियत से लड़ा। वो लोग बिलीव करेंगे, हाँ हाँ। हमें मत बताइए, हम बिलीव नहीं करेंगे कि इतना व्यक्ति इतने पत्थर से मर सकता है। हम जानते हैं खुदा लड़ रहा था। It was God who battles। क्यों दाऊद के अंदर इतना हया था? क्योंकि दाऊद के अंदर खुदा का कलाम था। इसे पढ़िए, इसे चूमने से कुछ नहीं होगा। एक के घर में गया, तकिए के नीचे रखा था उसने। अरे क्यों रखा है? इससे डायन नहीं आती। मेरी दुआ है आज रात को ही आए, कि तुम इसको पढ़ो। हाँ कुछ लोग तकिए के
पीछे रखते हैं। कुछ के लिए तो एक्सेसरीज बन गई है, मोबाइल, पर्स, बाइबल, पढ़ना है ही नहीं। इट इज माई बाइबल। अच्छा इसमें बता हबकुक किधर है? क्या बता इसमें हबकुक किधर है? अच्छा बता जरुबाबेल कौन है? Who is जरुबाबेल? I know Jesus. Who is जरुबाबेल? फैशन बन गया है कुछ लोगों के लिए उठाना चेन वाला बाइबल, मस्त आएंगे। एक पास्टर गया एक के घर में भाई खाना खाने के लिए, खाना खा के उठ रहा था, हमारी बहन बर्तन उठा रही थी, एक चम्मच कम था। अपने पति को बोलती है पास्टर ने चम्मच लिया है मेरा। उसके पति ने पागल लेके चुपके मार खाएगी तो बोला नहीं, आपको बताया ना बहनों को गोल्ड से ज्यादा बर्तन उसे पहले। अगले साल फिर से आया पास्टर, खाना खाया मटन चिकन, 25 दिसंबर का दिन था, वो बहन के पेट में रह नहीं पाई बात, जाते जाते बोलती है पास्टर हाँ मेरा चम्मच लिए थे। पास्टर ने बोला मैं चम्मच क्यों लूंगा तेरा? बोलती है नहीं चार लाई थी, तीन थे एक कम था। पास्टर ने बोला बहन मैंने आपका चम्मच नहीं लिया, किधर गया? अरे मैंने आपके बाइबल में रखा था, साल में एक बार खोल लेते तो मिल जाता। क्या जनरेशन है हमारी, बाइबल नहीं पढ़ते। आप में से यहां पर कुछ लोग होंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, आपने पूरा बाइबल एक बार भी कंप्लीट नहीं किया होगा, एक बार नहीं पढ़ा होगा। तारक मेहता के सारे एपिसोड देखे होंगे। और अगर आप ऐसे हैं ना, मुझे पता है अब आपको बुरा लगेगा, शेम होनी, यस हमें शर्म आनी चाहिए, हंसने की बात नहीं है, फील शेम एक्चुअली। मैं से 50 से अधिक बार पढ़ चुका हूं, अपने घमंड की बात नहीं कर रहा। वेट 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 प्लीज, इसके लिए ताली मत बजाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आज भी समय मिलता है मैं इसको, जब भी समय मिलता है मुझे पढ़ना। मैंने लोकल ट्रेन्स में इस तरह बैठ के बाइबल पढ़ी, पीछे बैठ के लोग आके मुझे पूछते थे क्या कर रहे हैं, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ रहे हो, क्रिश्चियन हो, सिंधी फैमिली से हो, फिर क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ये सिंधियों का खुदा है। ऐसे ऐसे बैठ के बाइबल पढ़ता था ट्रेन में, पूरा पैंट खराब हो जाता था। लोकल ट्रेन में अगर ऐसे नीचे बैठने की जगह मिल जाए ना बहुत होता है। हमारे बॉम्बे में आपको पता है ट्रेन कैसे होती है, हमारे बॉम्बे की ट्रेन बहुत अमेजिंग होती है, आप खड़े हो जाओ हम आपको चढ़ा भी देंगे उतार भी देंगे। ट्रेन में बैठ के बाइबल पढ़ता था, घर पे मेहमान आते थे। 13 साल तक मुझे मेरे पास अपना पर्सनल रूम नहीं था, वॉशरूम में जाता था, दरवाजा बंद करता था, ढक्कन बंद करके उसके ऊपर बैठ के पढ़ता। कुछ लोग कहते थे वॉशरूम में बाइबल नहीं पढ़ते, मैं उनको बोलता था प्रभु जगह नहीं दिल देखता। कभी कभी टेरेस पे जाके पढ़ता था टंकी के ऊपर, लोगों को लगता था मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, लोग बोलते थे उधर क्या कर रहा था। अब उनको क्या पता, जब ये मिलता नहीं था पागल होता था मैं, मुझे आदत है। इतनी बार पढ़ने के बाद भी आज भी जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे लगता है प्रभु मैं कितना कम जानता हूं। आपको मैं सच कहता हूं मैं बहुत हैप्पी रहता हूं। जरूरी नहीं है कि हैप्पी व्यक्ति हमेशा ऐसा करता रहे। बिल्कुल आई एम सो हैप्पी इनसाइड। जानते हो इस किताब ने मुझ पर क्या इंपैक्ट डाला? मैंने खुश रहना सीखा जीसस के साथ। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर आज मुझे रात को खुदा कहे, मैं अगर प्रभु मुझे आज भी कहे ना मैं तुझसे तेरी सेवा ले रहा हूं लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं प्रभु को बोलूंगा आपने कुछ नहीं लिया है मुझसे, मेरे पास सब है।
आप हो ना बस है। कभी भी आपको कोई भी कहे मैं ये ले लूंगा मैं वो ले लूंगा, दीदी भैया उसको बोलो जो चाहिए ले ले, मैं खुश हूं खुदा मेरे हिस्से में आए। आपने देखा दाऊद अपने दुश्मन को क्या कहता था, यहोवा मेरा भाग है, गॉड इज ऑन माय साइड। मैं अपने चर्च में खड़े होकर कहता हूं, अगर तुम में से कोई पास्टर बनना चाहता है, मेरा आधा कलीसिया तुमको चाहिए, ले लो, हु केयर्स। अ मैन ऑफ गॉड इज नेवर इनसिक्योर एट एनी टाइम। एक परमेश्वर से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली, इब्राहिम ने खुदा देखा, पूरा देश मिला। बोलना ही बंद कर दो, ये ले लो वो ले लो, प्रॉपर्टी की भी बातें हो ना, कोई भी आपको भाई आके कहे मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए, भाई पूरा ले ले, खुदा मेरे हिस्से में आया है। अगर गिर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें फिर से उठाएगा, फिर से खड़ा करेगा, फिर से आशीष देगा। A man of God is never insecure at any time. एक परमेश्वर का जन कभी अपने आप को, मुझे दुख होता है, हंसी भी आती है कभी कभी जब लोगों को देखता हूं प्रॉपर्टियों के बात पे लफड़े झगड़े, मेरा है, बाप मेरे नाम पे करके गया है ये। आप जानते हो खुदा क्यों कहता था मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं? जानते हो क्यों? Why God call himself the God of Abraham? आपने देखा इब्राहिम के सामने क्या हुआ? उसको अलग हो रहा था लूत से, उसे लूत को क्या कहा, तू दाएं जाए मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए मैं दाएं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी बाइबल के ब्रैकेट में लिखा है, इब्राहिम ने लूत से कहा जो तुझे अच्छा लगे वो ले, जो न लगे मुझे दे दे। A man of God is never insecure at any time. कभी भी कोई आपको कहता है ना मैं ये ले लूंगा, चले चले ले जा, जो चाहिए तू ले जा, पूरा चर्च चाहिए पूरा चर्च ले जा, खुदा मेरे को नहीं बना के दे देगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम पौलुस और सिलास की तरह जेल में भी चले जाओ, तुम्हारे लिए खुदा वहां पर भी कलीसिया बना देगा। कहिए अपने बाजू वाले को जो चाहिए ले जा, बोलो बोलो बोलो, दिल से नहीं निकलेगा, बोलो। हमारे कई समय में ऐसा हुआ है, कई बार लोग उठते हैं सीखते हैं दूसरे को बोलते और वो लोग जाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, अनाउंसमेंट तक नहीं करता, इससे दूर रहो इससे बचो, कुछ जो चाहिए ले जा, मैं कोई फिक्र नहीं करता। अरे खुदा मेरे हिस्से में आया है, सब खुद ही बनेगा। आप लोगों को बांध के रखोगे ना वो भागेंगे, उनको छोड़ दो तुम्हारे पास ही रहेंगे। करके मत रखो किसी को, बोलो कुछ लोग अपनी वाइफ को बोल रहे हैं नहीं नहीं एलिया धमकी को मेडिटेट किया और डर गया। कहिए दाऊद ने खुदा को देखा, मजबूत हुआ। आमीन। ओके, आपको कहीं और निहारने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर हमारे साथ, उसको देखो, हमेशा उसको देखते रहो और उसको हमेशा कहते रहो लॉर्ड वी मिस यू, कम सून लॉर्ड, अब आप जल्दी आइए, अब देर मत करिए, देखिए दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है, कम सून लॉर्ड, तो जल्दी आ खुदा, हम तुझे देखना चाहते। ओ मैं आपको सच कहता हूं, मेरी चर्च उसके आने का कितना इंतजार कर रही है, वो हम जल्दी हर दिन हम उसके कहते हैं प्रभु बस जल्दी, कम सून लॉर्ड। शादी की तैयारियां जैसे उस तरफ चल रही है तेरी तरफ,
हमारे यहां भी हो रही है खुदा, तो जल्दी कम फास्ट लॉर्ड, उसकी तरफ देखो, वही तो हमारा कफारा है, वही तो सब कुछ है जो उसकी तरफ निहार रहा है। कुछ नहीं खो सकता वो, क्योंकि जीवन ही उसके पास है, लाइफ हिमसेल्फ। पॉल नेवर से आई हैव अ पार्ट ऑफ लाइफ, ही से आई हैव अ लाइफ। मसीह हमारा जीवन है। आमेन। कितने लोग आज के बाद वचन को चूमेंगे? कितने लोग सुबह सुबह उठ के आज के बाद ऐसे करेंगे? देवा। Yeah, I'm speaking Marathi. कितने लोग को तक्की के नीचे रख के सोएंगे? डायन नहीं आएंगे। मेरी दुआ है आज रात को तीन चार आएंगे ताकि तुम इसको पढ़ो। इसे पढ़िए। किसी ने मुझे कहा इसे कैसे पढ़ी? मैंने कहा जब ये तुम्हें पढ़ना शुरू कर दे तो जान लेना तुम इसे पढ़ रहे। जिस दिन ये तुम्हें पढ़ना शुरू कर दे जान लेना अब तुम पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे लिए किताब नहीं है, ये तुम्हारे लिए जिंदा परमेश्वर है। इसे पढ़िए। एक लाइन लास्ट में बोल के खत्म कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ पास्टर जी माइक लेने के लिए ऊपर आए। आज मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल प्रेयर कर रहा हूँ। थर्ड डे पर खुदा ने जैसे चाहा मैं लास्ट डे पे आपके लिए दुआ करूंगा, पर प्रभु ने चाहा तो मैं हाथ रख के दुआ करूंगा। एक लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए, आपको बाइबल समझ में नहीं आई इसमें आपका कोई दोष नहीं, पर आपने पढ़ा नहीं तो गलत हो। Shall I repeat again? Yes. आपको नहीं समझ में आया ये आपकी गलती नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं आप गलत हो। और हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें ये नहीं बदल पाया तो मैं इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। फिर अगर तुम्हें ये नहीं बदल पाया तो मैं कोई नहीं बदल पाया। इतना भी हाथ रखवाओ, पैर रखवाओ, पैसे दे दो पादरी साहब को, पापा नू, मम्मी नू, हाथ रखवा दो, कुछ भी कर दो, तेल की बोतल डलवा दो पूरी, कुछ नहीं होने वाला। वचन जीवन बदलता है।